हेलो फ्रेंड। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इबोला वायरस के बारे में और एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के बारे में। तो आइए पहले हम देखते हैं इबोला वायरस। इबोला वायरस जो डिजीज़ होती है, एक प्रकार की कॉम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। कॉम्युनिकेबल का मतलब होता है कि मान लीजिए हमें डिजीज़ हुई है, आप हमारे कांटेक्ट में आ गए या हम आपके कांटेक्ट में आ गए, तो आपको वह डिजीज़ हो सकती है, उसे हम बोलेंगे कॉम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो इबोला वायरस होता है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है इबोला हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, इसमें जो होता है कि जब इबोला वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, तो क्या होने लगता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो होती है, ब्लीडिंग होने लगती है। मतलब कि बोल सकते हैं इनसाइड द ब्लीडिंग या आउटसाइड द ब्लीडिंग होने लगता है। ठीक है, और इसमें कभी कभी होता है कि ऑर्गन फेल्योर हो जाता है। अगर ऑर्गन फेल्योर हो जाएगा और सीवियर ब्लीडिंग होने लगेगी हमारे बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड, तो हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट में यह लिखा गया कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा इबोला वायरस डिजीज़ होता है, यह जो होता है सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं होता है, इसके अलावा जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं, जैसे मंकी, गोरिल्ला, इनको भी जो इबोला वायरस डिजीज़ होता है। जो अगला पॉइंट दिया गया है, ठीक है, अगला पॉइंट में यही लिखा गया है कि जो इबोला वायरस जो डिजीज़ होती है, यह जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन कोई है इबोला वायरस जिसको हुआ है, अगर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन उसके बॉडी फ्लूड जैसे ब्लड के कांटेक्ट में या यूरिन के कांटेक्ट में अगर चला जाता है, तो उस पर्सन को भी इबोला वायरस हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। पाँचवा पॉइंट देखते हैं। पाँचवें पॉइंट में यही लिखा गया कि इसमें कुछ कॉमन सिम्पटम दिखेंगे कि इबोला वायरस, जिससे आप पता कर लेंगे कि इबोला वायरस इस पर्सन को हुआ है। तो इसमें क्या होगा, फीवर रहेगा उस पर्सन को, फीवर हमेशा जो ग्रेटर देन रहेगा 101 डिग्री फारेनहाइट रहेगा, उसको जो है बॉडी में एचेस रहेंगे, ठीक है, धब्बे रहेंगे, छोटे छोटे दिखेंगे आपको, डायरिया रहेगी, उसके जो इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब इनसाइड द ब्लीडिंग आउटसाइड द ब्लीडिंग उसके बॉडी के अंदर होगा, और ऑर्गन फिल्योर भी रहेगा। तो उससे आप पता लगा लेंगे कि इस पर्सन को इबोला वायरस हुआ है। अब आगे देखते हैं पॉजिटिव एजेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपने यूनिट फर्स्ट का नोट डाउनलोड नहीं किया है, तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या व्हाट्सएप ग्रुप से जाके आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप मैसेज कर दीजिए हमें, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तो आपसे हम यही उम्मीद रखते हैं, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब इसका देखते हैं पॉजिटिव एजेंट जो होता है, इबोला वायरस जो डिजीज़ का पॉजिटिव एजेंट होता है, इबोला वायरस ही होता है। ठीक है, अब इसका इनक्यूबेशन पीरियड देखते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड उसको बोलते हैं कि मान लीजिए जो इबोला वायरस है हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया, इंटर करने के बाद कितने देर बाद सिम्पटम उसके इबोला जो वायरस डिजीज़ के जो सिम्पटम है कितने टाइम बाद दिखे, उसी को बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इसका इनक्यूबेशन जो पीरियड होता है 8 से 10 डेज होता है। ठीक है, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं, ठीक है, कैसे कैसे फैलता है। ठीक है, तो जो इबोला वायरस जो डिजीज़ होती है, मतलब कि इसमें जो इबोला वायरस होता है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसके उसके ब्लड के या तो उसको यूरिन के, उसके वॉमिट मतलब उल्टी के, या तो उसके ब्रिस्ट मिल के, या उसके स्वेट के, या उसके सीमन के अगर कांटेक्ट में नॉन इन्फेक्टेड पर्सन आ जाता है, तो उसको भी इबोला वायरस डिजीज़ हो सकती है। मतलब कि उसके अंदर जो है इबोला वायरस जो है इंटर कर सकता है। सेकंड जो पॉइंट दिया गया है, इसमें अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन का अगर मान लीजिए कपड़ा नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है पहन लिया, तो उसको भी हो सकता है, या जो कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर्सन की, तो उसको भी अगर वह यूज़ कर लेता तब भी उसको हो सकता है। अब अगला पॉइंट दिया है इन्फेक्टेड एनिमल, जिस एनिमल को इबोला वायरस डिजीज़ हुआ है, अगर उस जो एनिमल के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं, ठीक है, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन अगर उस एनिमल के कांटेक्ट में जाता है, तो उसको इबोला वायरस डिजीज़ हो सकता है। अब इसको देखते हैं, अगला जो दिया गया है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या क्या है, पहला यहाँ पे दिया गया है RT-PCR है, सेकंड है वायरस आइसोलेशन इन सेल कल्चर दिया गया है, चौथा हमारा दिया है एलिसा, ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यून सॉर्वेंट एसे। ठीक
ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्पटम के बारे में, तो आप चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब जरूर से, ठीक है। अब बात करते हैं सिम्पटम, जो पहला सिम्पटम मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो फीवर रहेगा, फीवर जो ग्रेटर देन रहेगा 101 डिग्री फारेनहाइट रहेगा, ठीक है। और इसमें मसल्स पेन होगी, वीकनेस मतलब कमजोरी रहेगी, वोमिटिंग आएगी, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया रहेगी, रैसेस बॉडी पे छोटे छोटे रहेंगे, और जो बॉडी के इंटरनल इनसाइड और आउटसाइड ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। आप देखे होंगे या गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं, या मैं एक इमेज यहाँ पे डाल दूंगा तो वहाँ पे उसको आप देख सकते हैं कैसे होता है। अब देख, आप बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इबोला वायरस, इबोला वायरस को कैसे प्रिवेंट करेंगे, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहला हम जो इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसके हम यूरिन या उसके ब्लड, उसके किसी भी बॉडी फ्लूड के कांटेक्ट में आने से हम बचेंगे, पहला ये है इसके प्रिवेंशन अगर हम करना चाहते हैं तो। फिर सेकंड क्या करेंगे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका उसके सीमन के कांटेक्ट में आने से बचेंगे। थर्ड दिया है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे, उसके मतलब कॉन्टैक्ट में हम नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर हमें इबोला वायरस से बचना है तो हमें अपने हाथों को जो सॉप आते हैं उससे धोना है, वाटर से धोना है, सैनिटाइजर से धोना है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि अगर हमें इबोला वायरस से बचना है तो उससे क्या करेंगे, ग्लव्स का यूज़ करेंगे, वैक्सीनेशन लेंगे, जो वैक्सीन्स आती हैं इबोला वायरस की उसको हमें लेना है। और इसमें क्या करेंगे, जिस पर्सन को इबोला वायरस डिजीज हुआ है उसका हम आइसोलेशन करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, जो प्रोटेक्टिव जो कपड़े आते हैं, क्लॉथ्स आते हैं, उसको हम यूज़ करेंगे। अब अगला जो हमारा दिया गया है एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ARI बोलते हैं, ठीक है। जो एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है यह भी हमारा एक प्रकार का कॉम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी डिजीज़ पढ़े हैं सब कॉम्युनिकेबल डिजीज़ ही पढ़े हैं। जो इसमें जो एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो आपको यह पॉइंट ज़रूर से याद रखना कि इसमें जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसमें किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो सकता है, चाहे वह नाक हो, नोज़ हो, चाहे ट्रैकिया हो, चाहे फेरिंग्स हो, चाहे लंग्स हो, चाहे एल्बुलाई हो, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है ये नोज से स्टार्ट होता है एल्बुलाई तक, ठीक है, किसी भी पार्ट में हो सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है, जो हमारा ARI है, पहले भी मैंने बताया कि एक प्रकार का कंटाजीनियस या बोल सकते हैं इन्फेक्शियस या बोल सकते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसके कांटेक्ट में आने से फैलता है। तो आपको तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया है। चौथा पॉइंट में यह लिखा गया कि जो अगर किसी भी पर्सन को एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करेंगे, जो उसमें जो भी एजेंट जो रिस्क फैक्टर हैं वह क्या करेंगे कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर देंगे, जिससे उस पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO अगर हम बात करें तो जो एनुअली 2.6 मिलियन चिल्ड्रन की जो डेथ होती है एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के कारण ही होती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। आगे देखते हैं, जो एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है दो टाइप का होता है। इसमें पहला हमारा आता है अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, सेकंड हमारा आता है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो पहले हम देखते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है यह जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है उसके अपर पार्ट पे मतलब कि अफेक्ट करता है, ठीक है। अपर पार्ट जो होता है, जो वोकल कार्ड होता है, वोकल कार्ड के पीछे के जितने भी आते हैं सब हमारे आते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन अगर किसी पर्सन को अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है तो इसमें क्या क्या होता है कि कॉमन कोल्ड होते हैं, ठीक है, फारेंजियाइटिस होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि फारेंजियाइटिस मतलब होता है सोर थ्रॉट, और टॉन्सिलिटिस आता है, और ईयर इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। तो अब आगे हम देख लेते हैं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LRIS बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉमनली इसमें कंसीडर क्या क्या होता है, ट्रैकिया होता है, ठीक है,
ट्रैकिया के ऊपर जितने रहेंगे, आपको याद रखना, ट्रैकिया के ऊपर जितने रहेंगे वह हमारे आते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और ट्रैकिया से लेकर जितना नीचे आते हैं सब हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक आते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रैकिया, ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियोल्स और लंग्स, ये सब हमारे क्या हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह बहुत ही सीरियस डिजीज होती है, मतलब सीरियस इन्फेक्शन होता है, कंपेयर टू किसके, URIS के, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के। ये इसमें क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस हो जाती है और निमोनिया हो जाता है, यह मेनली इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एपिडेमियोलॉजी के बारे में। इसमें जो कॉजिटिव एजेंट होता है, इसमें कॉजिटिव एजेंट माइक्रोब्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, डस्ट के कारण भी होता है, एयर पॉल्यूशन के कारण भी होता है। ठीक है, ये सब हमारे पॉजिटिव एजेंट हो गए। और इसमें होस्ट की बात करते हैं, तो इसमें ऑल एज के लोग आ सकते हैं। ठीक है, इसमें मेल, फीमेल, बच्चे सभी आ सकते हैं, सभी को एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में देखते हैं। इन्वायरमेंटल इसमें जो फैक्टर आता है, पहला हमारा है सोशल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है, एयर पॉल्यूशन के थ्रू भी हो सकता है, ओवर क्राउडिंग के थ्रू भी हो सकता है। अब जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, ज़्यादा लोग रहेंगे तो एक दूसरे के जो जिसको हुआ डिजीज और जिसको नहीं हुआ डिजीज एक दूसरे को कांटेक्ट में आएंगे तब भी हो जाएगा, या तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहेगी तो वहाँ पे जो गाड़ियों के धुएं निकलते हैं उसके कारण भी हो सकता है, धूल कण के कारण भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें पहला दिया गया है थ्रू एयरबर्न रूट के थ्रू भी हो सकता है। अगर अगर हम किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसके थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम जो जिसको इन्फेक्शन हुआ है, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, अगर हम उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब भी हमें एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। अब आगे बात करते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन जो पीरियड होता है 5 से 7 डेज तक इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है। अब इसका जो सिम्पटम दिया गया, पहला रनिंग नोज, नाक हमेशा बहती रहती है, कॉफिंग होता है, फीवर रहता है, नेजल कंजेशन मतलब कि नाक जाम हो जाती है, शोर थ्रॉट होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सब इसके सिम्पटम हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में। पहले क्या करना कि हमें जो एयर पॉल्यूशन है उससे हमें बचना है, और हमें भीड़ भाड़ वाले जगह पे नहीं जाना, उससे भी बचना है। ठीक है, और क्या करना कि जो जो गाय के उपले आते हैं उसको हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, उससे भी हमें बचना, क्योंकि उससे धुएं निकलते हैं, उसके धुएं नुकसान करते हैं, जिससे हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। और इम्यूनाइजेशन मतलब जो वैक्सीन आती है उसको हमें यूज करना है। ठीक है, जिससे हम जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उससे हम बच सके। फिर अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है आगे, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। हमें इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से बचना है। फिर क्या करना, आइसोलेशन, जिस पर्सन को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है उसका हम आइसोलेशन करेंगे। फिर अगला दिया है डिस इन्फेक्शन, अगर जिस पर्सन को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है उसका, अगर जिस बेड पे वह सोता है उसको भी हम डिसइन्फेक्टेंट से साफ करेंगे, वह अगर अगर कहीं पे वोमिट कर देता है उसको भी हम साफ करेंगे, टॉयलेट कहीं पे करता है, मान लीजिए छोटा बच्चा है घर में ही कर दिया, तो उसको हम क्या करेंगे, डिसइन्फेक्टेंट जो आते हैं उससे हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, जैसे डिटॉल उटॉल आता है। ठीक है, अब दिया है बेटर न्यूट्रिशन, अगर हमें क्या करना है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचना है तो हमें बेटर न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और यूज मास्क, हमें मास्क का यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार की कॉम्युनिकेबल डिजीज है तो कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। ठीक है, और हमें यह भी इस अगर हमें जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचना है तो क्या करना है कि जब हम स्नीजिंग करते हैं या कफिंग करते हैं तो उस समय अपने हमें नोज को टिश्यू पेपर से ढक लेना चाहिए, तो यह भी आपको याद रखना। फिर अगला लास्ट दिया है एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए, जैसे एमोक्सिसिलीन, डॉक्सिसिलीन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सभी जो एंटीबायोटिक आती हैं इसको हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इसको हमें लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।